नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजर के साथ जीविका उपार्जन के साथ किया गया बैठक। आइए देखते हैं योगापट्टी से विनोद ठाकुर की खास रिपोर्ट। योगापट्टी प्रखंड के बलुआ भवानीपुर पंचायत के कवलापुर वीरता में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजर के साथ जीविका उपार्जन का किया गया बैठक। उत्तर बिहार ग्रामीण के मैनेजर मुकेश लाल यादव ने जीवित ज्योति सुधागर अटल पेंशन के बारे में बताया कि हर महीना 330 रुपये लगता है और बताया कि पहले लोगों को पैसा निकासी करने के लिए मच्छर गांवा बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ऐसा कर दिया है कि गाँव गाँव में CSP केंद्र बैंक बैठा दिया है। अब लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता है, गाँव के ही बैंक में पैसा निकासी या जमा हो जाता है। और बैंक मैनेजर के ने बताया है कि जीविका दीदी लोग बैंक से लोन लेकर अपना काम करके और फिर समय से बैंक में पैसा जमा करा देते हैं, तो ऐसे करने पर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। और वहां उपस्थित बलुआ भवानीपुर पंचायत के मुखिया भोलाराम, CSP केंद्र के मैनेजर फरियाद जीते और भाजपा के मंडल अध्यक्ष धर्मनाथ यादव भी शामिल रहे और अजीम मियाँ और इस बैठक में अहम भूमिका फरियाद जी की रही। सरकार ने खाता खुलवाया, आप लोग वहाँ नहीं जा सकते, सेंटर बना दिया, बीसी सेंटर खोल दिया गांव गांव में, आप वहाँ जाके खाता खोल दिया, पुस्तक भी जाने जो आप आधार होना चाहिए, बायोमेट्रिक से मशीन रहती है, खाता खुलेगा, लेन देन कीजिए, बीमा यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से नहीं होगा ब्रांच से होगा। बहुत से लोग होते हैं जिनका अंगूठा काम नहीं करता, उनका इस मशीन से नहीं लेगा, उसका बैंक करेगा। इसी तरह और भी जब कभी भी बैंक प्रोग्राम करेगा, जिस गाँव में डिसाइड करेगा, हम लोग वहाँ जाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, आप लोग इसका जितना जितना हो सके।